साहस सरोकार। आजम खान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जौहर ट्रस्ट पर आईटी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आईटी का ऑपरेशन लगातार जारी है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईटी विभाग की मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी छापेमारी हो रही है। आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, आजम खान के जौहर ट्रस्ट पर आईटी की छापेमारी चल रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? मयूरी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने की नाम नहीं ले रही हैं। आज सुबह अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। अगर बात की जाए तो आज सुबह रामपुर के साथ मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग यह छापेमारी पूरी तरह से अन्य जो एक तरह से उनके रामपुर के अंदर में जौहर ट्रस्ट बनाई गई थी, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उससे जुड़ी बताई जा रही है, उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को और साथ ही साथ ट्रांजेक्शन को आयकर विभाग खंगालने का प्रयास कर रहा है। अगर बात की जाए तो रामपुर में ही आजम खान के पूर्व करीबी और विधायक नसीब खान के घर में छापेमारी पड़ा हुआ है फिलहाल। अगर बात की जाए सूत्रों के मुताबिक तो आयकर विभाग के टीम के जो तमाम सदस्य हैं वो आजम खान के जो पैतृक आवास रामपुर है वहां पहुंचे। इसके बाद उनसे जुड़े हुए तमाम जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी चल रही है, और इसकी अगर बात की जाए तो आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। और रामपुर टीम के जो रामपुर में जो आयकर विभाग की टीम है वो आजम खान की कोठी को कब्जे में ले लिया है, बाहर फोर्स तैनात की गई है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। छापेमारी की खबर सुनने के बाद आस पड़ोस के लोगों का कहीं ना कहीं भारी भीड़ उनके आवास के बाहर जुट चुका है, और अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने भीड़ को हटा दिया है। सीतापुर के रिजेंसी स्कूल में भी छापेमारी चल रही है, और बात की जाए तो रियल बैंक कॉलोनी में आजम खान की बहन का घर है वहां पे भी छापेमारी तेजी से चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो इसमें तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, और आजम खान का जो जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में जो तमाम पैसे के हेरफेर है उसकी भी पूरी तहकीकात की जा रही है। अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी अली जौहर के नाम पर आजम खान के द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आजम खान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा इसकी सचिव थी। और अगर बात की जाए तो जमीन अधिग्रहण से लेकर विवाद शुरू होता है, उसके बाद अब छापेमारी चल रही है। 173 एकड़ के कब्जा बेदखली की कार्रवाई की जा चुकी है, और अब बात की जाए तो तमाम जो पैसे हैं जो ट्रस्ट में आए रुपए हैं तमाम जगहों से उसकी भी कहीं ना कहीं अब तमाम पेपर और डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट आयकर विभाग की टीम खंगाल रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर किस कहां से कितना ट्रांजेक्शन हुआ। जी जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।